आज की यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ BSNL के लो बजट प्लान। सबसे कम दाम में आप BSNL में सर्विसेज ले सकते हैं और पूरे इंडिया में सबसे कम दाम में सर्विसेज प्रोवाइड करने के मामले में BSNL ही गिना जाता है। तो आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि कितने प्राइस में BSNL आपको प्रोवाइड करता है सर्विसेज, क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि BSNL के उनको प्लान्स ही नहीं पता, BSNL के प्लान्स ही नहीं क्लियर होते हैं, अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग प्लान्स दिखाए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। तो जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे BSNL के लो बजट प्लान के बारे में, तो आइए तुरंत से वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बता दूं कि कितने कम दाम में आपको जो है BSNL की सर्विसेज देखने को मिल जाते हैं। तो BSNL का सबसे पहले और एंट्री लेवल प्लान जो है वो है 49 रुपीज़ का, यानी 49 रुपीज़ में आपको मिलता है पूरे 24 दिन का बेनिफिट, जिसमें आपको दिया जाता है 2 GB डेटा और 100 मिनट। वहीं पर अगर इसको कंपेयर करेंगे आप जियो से, तो जियो सिर्फ 25 रुपये में 2 GB डेटा देता है। तो वहीं पर आप देख लीजिए कि 49 रुपये में, मात्र 49 रुपये में BSNL आपको 2 GB डेटा भी दे रहा है, 100 मिनट भी दे रहा है और 24 दिन की वैलिडिटी भी दे रहा है, मात्र 49 रुपये में। अभी ज़्यादा प्लान्स की डिटेल्स पे बात नहीं करते हैं ना कंपेयर करते हैं, मैं आपको सीधे सीधे लो बजट प्लान्स बताए दे रहा हूँ BSNL के क्या क्या है। तो वहीं पे जो दूसरा प्लान निकल के आता है BSNL की तरफ से, इसमें आपको डेटा का बेनिफिट नहीं मिलता है, ना ही SMS का बेनिफिट मिलता है, लेकिन जिनको सिर्फ कॉलिंग चाहिए तो 99 रुपये में 24 दिन के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं 99 रुपीज़ के रिचार्ज से। तो वहीं पे अगर हम बात करें BSNL के तीसरे प्लान की, तो इनका जो तीसरा प्लान है वो है 135 रुपये का, लेकिन ये मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ये वर्थ इट ही नहीं है। इसमें आपको मिलता है 1440 मिनट सिर्फ 24 दिनों के लिए, इसमें नो डेटा नो SMS, मतलब ना डाटा मिल रहा है ना SMS मिल रहा है, तो ये रिचार्ज कराना आपका बेकार ही रहा। तो ये मेरी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन ये प्लान था तो मैंने आपको बताना सही समझा। वहीं पे अगर हम BSNL का चौथा प्लान देखें, तो BSNL का चौथा प्लान है वो है 118 रुपये का, जिसमें आपको मिलता है 500 MB पर डे अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ, लेकिन इसमें आपको SMS की सुविधा नहीं दी जाती है। वहीं अगले प्लान पे बढ़े तो अगला प्लान BSNL का निकल के आता है 147 रुपीज़ का, जिसमें आपको पर डे की कोई लिमिट नहीं मिलती, सीधा सीधा आपको 10 GB डेटा दिया जाता है, अनलिमिटेड कॉलिंग दी जाती है और 100 SMS दिए जाते हैं। काफी सारे एरियाज में 147 में अलग अलग बेनिफिट्स हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप डाउनलोड कर लीजिए BSNL माई सेल्फ केयर ऐप। जैसे ही आप BSNL माई सेल्फ केयर ऐप डाउनलोड कर लेते हैं प्ले स्टोर से, उसके बाद आपको अपने BSNL नंबर से साइन इन करना है, जो OTP आए OTP डालना है, और सक्सेसफुल साइन इन होने के बाद आप माई ऑफर्स में या माई रिचार्ज में जाके देख सकते हैं आपके एरिया में आपके नंबर पे जो बेस्ट रिचार्ज होगा वहाँ पे दिखा दिया जाएगा, और अपने पैसे के अनुसार अपने यूजर्स के अनुसार जो है आप वहाँ से रिचार्ज करा लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्लान पे BSNL के, तो अगला प्लान जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक प्लान है 185 रुपये का, एक प्लान है 187 रुपये का, सिर्फ 2 रुपये का फ़र्क है, यानी 185 187, लेकिन दोनों में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर मिल जाता है। 185 वाले में आपको 28 दिन का बेनिफिट मिलता है, 187 वाले में भी आपको 28 दिन का बेनिफिट मिलता है, लेकिन 185 में आपको मिलता है 1 GB डेटा और वहीं पे मिलता है आपको अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ साथ BSNL ट्यून्स भी। लेकिन अगर आप कंपेयर करें 187 वाले से, तो इसमें आपको 28 दिन की वैलिडिटी तो मिलती है, यहाँ पे आपको डबल बेनिफिट मिलता है डेटा में, यानी 2 GB डेटा आपको दिया जाता है और 2 GB डेटा के साथ साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS पर डे दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा जो है रिंगटोन का। तो यहाँ पे सिर्फ 2 रुपये का अंतर है, अगर आपको रिंगटोन चाहिए तो 185 वाला करवाइए, रिंगटोन नहीं चाहिए और डेटा डबल चाहिए तो 187 वाला आप रिचार्ज करवा सकते हैं। तो बस यही थे BSNL के छोटे प्लान्स, मैंने आपको 3 महीने के, 84 दिन के, 90 दिन के प्लान्स नहीं बताए, सिर्फ इस वीडियो में मैंने आपको छोटे प्लान्स बताए हैं जो 28 दिन के, 30 दिन के, 24 दिन के हैं और जो वैल्यू फॉर मनी है, आपको प्रोवाइड करते हैं अच्छी सर्विसेज और आपको जो लेने चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके ही जाना, और कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, 100% मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।